कहाँ से चलेगा? हनुमान चल रहा है, हनुमान खंड चल रहा है। हाँ, व्याप्ति चल रही थी। यत्र यत्र धुमास तत्र तत्र अग्निर इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, है ना। हाँ, तो इसमें जो है यहाँ पर क्या है ना, साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, कि नहीं? हाँ, साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, साध्य के साथ एक अधिकरण में रहना, साध्य के साथ एक अधिकरण में रहना, है कि नहीं? इसी का नाम व्याप्ति है, इसी का नाम व्याप्ति। ठीक है, एक अन्य व्याप्ति भी होती है, एक व्यतिरिक्त व्याप्ति होती है। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगितम, ये होते व्यतिरिक्त व्याप्ति, नहीं? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगितम, ये व्यतिरिक्त व्याप्ति होती है। ये सब आएगा, ठीक है ना। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगितम, साध्य भाव जानते हैं? बन्यावा। हाँ, जैसे पर्वत तो बन्नी माध्यमात, तो साध्य भाव क्या होगा? बन्नी का अभाव, नहीं? उसका व्यापक के भूता भाव कौन होगा? धुमा भाव है, होगा धुमा भाव। यत्र 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 बन्य भाव तत्र तत्र धुमा भाव, ये व्यतिरिक्त व्याप्ति ऐसी होती है। यत्र यत्र शब्द से किसको लेते हो? ए? साध्य को, साध्य भाव को ले जाता है। कहाँ पर? व्यतिरिक्त व्याप्ति में, है ना। हाँ, ऐसा होता है। ये कहीं पौधकृति में भी है ना, ऐसा कोई नियम है, पौधकृति में भी कोई नियम है ना, शायद मैं कभी बताया हो, एक नियम है। रुको, कहीं है मेरे ख्याल से, पौधकृत्य में कहीं है क्या? देखो तो, हाँ, पौधकृत्य में तो है। अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापक मिश्यते, साध्याभावो अन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्यय। मिला आप लोगों को? नहीं मिला? ये वार्तिक माता ही है। नहीं मिला आपको? पौधकृत्य में अन्वय मात्र व्याप्ति कम, केवल अन्वय में देखो, पौधकृत्य में है ना। क्या हुआ, नहीं मिला? अरे देखो, अन्वय मात्र व्याप्ति कम केवलान्वय है कि नहीं? उससे पहले देखो, पदकृत्य में देखो, कैसे भी पदकृत्य आपको क्यों नहीं मिलती है? अन्वय मात्र व्याप्ति कम, अन्वय मात्र व्याप्ति कम केवलान्वय है कि नहीं? इसमें पदकृत्य देखो, ए तुम्हें पदकृत्य आपको मिलते नहीं, मैं दिखा दूँ, चलो लाओ। कहाँ, अन्य मात्र व्याप्ति को नहीं मिला आपको? ये क्या अन्य मात्र व्याप्ति का, मूल में ही अन्य मात्र व्याप्ति का। इधर देखो, ये देखो, इधर देखे, ये क्या है? इधर देखो, ये बाएं तरफ लो, फटाफट देखो,
देखो इनको, इनको मिली नहीं है, सबको एक एक कर दिखाऊंगा क्या? मिला? हाँ वही मिला आप लोगों को है? मिला भूमा चंद जी? अभी भी नहीं मिला क्या? ए क्या हुआ? मिला? मिल गया? हाँ वही देखना। तो उसमें आया कि व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृक इष्यते तयोर अभावयोर तस्मा विपरीत प्रतीयते। मिला आप लोगों को? सुनो हैं, मिलता नहीं भी क्यों आप लोगों को भी? मिला भगवान चेतन जी को? हे भगवान, मिला? हाँ वही देखो, व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृक इच्छते, जिस प्रकार माना जाता है, समझ में ना? हाँ, भाव को लेकर के व्याप्य व्यापक भाव होता है, किसको लेकर के? भाव को लेकर होता है ना? कहाँ पर होता है? अन्वय व्याप्ति में। भाव जानते लो, धूम और बन्नी। भाव पदार्थ कौन हो गया? धूम और बन्नी। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन, धूम और बन्नी को छोड़ दीजिए, यत्र यत्र हेतु हो तत्र तत्र साध्यम, समझ में ना? ये होता है। तो व्याप्य कौन होता है? व्याप्य धूम होगा, व्यापक कौन होगा? बन्नी। इसलिए क्या होगा? भाव पदार्थ होगा ना, यत्र यत्र हेतु हो तत्र तत्र साध्यम होगा। किस व्याप्ति में होगा? अन्य व्याप्ति में होता है, ठीक है? ये नियम देखो, तयोर अभावयोर तस्मात् विपरीत प्रतीयते। विपरीत क्या होगा? देखो वहाँ पर अभाव को लेकर हो जाएगा व्यतिरिक्त व्याप्ति में, किसको लेकर होगा? हाँ अभाव को लेकर, ठीक है? वहाँ पर विपरीत प्रतीयते, विपरीत क्या होगा जानते हो? विपरीत क्या होगा? उल्टा उसे कर लो। हाँ, यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेत्वभाव, यत्र यत्र साध्याभाव। देखो ये यहाँ पर आगे लिखा, देखो अन्वये साधनम व्याप्यम। अन्य मतलब क्या है? अन्य व्याप्ति में, अन्य व्याप्ति में व्याप्य कौन होता है? साधन होता है, हेतु होता है। और साध्यम व्यापकम इच्छते, और साध्य क्या होगा? व्यापक। किस व्याप्ति में? अन्वय मतलब अन्वय व्याप्ति में, समझ में ना? हाँ, और अन्यथा साध्य भावो व्याप्य। कहाँ देख रहे हो अनुराग? पंक्ति में क्यों नहीं देखते हो? अन्यथा मतलब कहाँ पर? बेहतरी व्याप्ति में, है ना? अन्य व्याप्ति से अन्य अन्य कौन हो गया? बेहतरी व्याप्ति। बेहतरी व्याप्ति में व्याप्य कौन होगा? साध्या भाव हो गया कि नहीं? अब व्यापक साधनात्तय, अत्यय मतलब क्या? अभाव, मतलब साधन का अभाव। साधन का अभाव क्या होगा? व्यापक, ये लक्षण हो गया, ठीक है? ऐसा कह रहे हैं, हो गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? इस श्लोक को याद करना है, व्याप्य व्यापक भावो ही, व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृगिष्यते, भावयोर यादृगिष्यते तयोर अभावयोस्तस्मात्, तयोर अभावयोस्तस्मात् विपरीतः प्रतीयते, विपरीतः प्रतीयते। पढ़ो, व्याप्य व्यापक भावो हि भावयोर यादृगिष्यते तयोर अभावयोस्तस्मात् विपरीतः प्रतीयते साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो। नहीं नहीं नहीं, छूट गया छूट गया। अन्वये साधनं व्याप्यम्, अन्वये साधनं व्याप्यम् साध्यं व्यापकमिष्यते, साध्यं व्यापकमिष्यते
साध्य में कि साध्य है, अनुसार है ना जी, साध्य नपुंसक है। साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो, साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो, व्यापकः साधनात्ययः, व्यापकः साधनात्ययः। देखो भाई, अन्वय में साधन व्याप्य कौन होगा, साधन हेतु होगा, और व्यापक कौन होगा, साध्य होगा, इच्छति ऐसा माना जाता है। और अन्यथा कहने से व्यतिरिक्त व्याप्ति में, व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या होगा, व्याप्य कौन होगा, साध्य भाव, व्यापक कौन होगा, व्यापक हेतु भाव, हाँ साधनात्म मतलब हेतु भाव, समझ में आया, ये होता है नियम, हो गया कि नहीं, ऐसा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मतलब अन्य व्याप्ति में हेतु और साध्य को लेकर होती है, क्या अन्य व्याप्ति में किसको लेकर के, हेतु और साध्य, हाँ, और बेहतरी व्याप्ति किसको लेकर होती है, साध्य भाव और हेतु भाव दोनों को लेकर के कौन सी व्याप्ति होती है, व्यतिरिक्त व्याप्ति होती है, समझ में आ गया, ऐसा है। लेकिन ये भी नियम है, अन्य व्याप्ति में पूर्व में कौन होगा, व्याप्य को कहा जाएगा, हमेशा पूर्व में व्याप्य को ही कहा जाता है, किसी भी व्याप्ति में हो किसको कहा जाएगा, हाँ, और व्यापक को पर में होता है ना, हाँ ऐसा होता है। व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम, ऐसा हो रहा है, हाँ बोलो, व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम, व्यापकस्य व्यापकस्य ततः परम, ठीक है, व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम, पूर्व में कौन सा वचन कहा जाएगा, हाँ ऐसा नहीं कि ये है तत्र तत्र धूमा, ये क्या बोलते हैं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, ऐसा नहीं कि तत्र तत्र बन्नी यत्र यत्र धूमा, ऐसा जी क्या व्याप्ति क्या होती है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, तो पहले यत्र यत्र को बोलना है कि पहले तत्र तत्र बोलना है, कोई भी व्याप्ति हो पहले यत्र यत्र को बोलना होगा, समझ में है ना, ऐसा है, इसलिए व्याप्य को पहले कहा जाएगा ना, इसलिए व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्याप्य को पहले कहा जाएगा, और व्यापकस्य तथा परम व्यापक को बाद में कहा जाएगा, समझ में ये नियम होता है, ठीक है। बहुत जगह पर जो है ना क्या है, भ्रांति होते हैं लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये व्याप्ति हो गई, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ये व्याप्ति का लक्षण है कि व्याप्ति का आकार है, ये आकार अभिनय अभिनय मतलब ये व्याप्ति का लक्षण नहीं है, साहचर्य नियम ये व्याप्ति का लक्षण है, साहचर्य नियम ये व्याप्ति का लक्षण है, इस संक्षेप से समझ लो, आगे तो विस्तार से होगा, है उसके बाद पक्षधर्मता है, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, तो व्याप्ति कौन है, साहचर्य नियम यह होगी व्याप्ति, फिर उसके बाद पक्षधर्मता होनी चाहिए कि नहीं, नहीं, इसलिए पक्षधर्मता का क्या लक्षण है यह बता रहे हैं, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्षधर्मता, बोलो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्षधर्मता, ये पक्षधर्मता है, ठीक है ना, मतलब व्याप्य किसको बोलते जानते हैं, व्याप्ति के आश्रय को बोलते हैं व्याप्य, क्या व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति जहाँ पर रहेगी है ना, बनने की व्याप्ति कहाँ पर है, घट में है कि पट में, धूम में, क्या है,
किसकी बनने की व्याप्ति कहाँ पर है? तो व्याप्ति का आश्रय कौन हो गया? दोनों। तो व्याप्य कौन हुआ? मैं अभी बताया व्याप्य किसका नाम है? व्याप्ति का आश्रय। व्याप्ति के आश्रय को कहते हैं व्याप्य। क्या बोलते हैं? तो बनने की व्याप्ति कहाँ पर है? धूम में है ना। तो व्याप्ति का आश्रय कौन हुआ? धूम हुआ। तो व्याप्य कौन हुआ? हाँ बस किसका व्याप्य हुआ? हाँ क्योंकि बन्नी की व्याप्ति का आश्रय कहाँ कौन है? धूम है। इसलिए बन्नी का व्याप्य धूम है। समझ में आया ये भूमा चेतन जी? आया। तो बन्नी का व्याप्य धूम क्यों है? तो क्या बोलोगे? बन्नी का हाँ बन्नी का व्याप्य धूम क्यों है? तो क्या उत्तर है? बन्नी की व्याप्ति का आश्रय धूम है, इसलिए धूम बन्नी का व्याप्य है। ये तात्पर्य समझ में आ गया? हाँ ऐसा है। ठीक है तो देखिए ये पर्वतादि वृत्तित्वम मतलब क्या है? पक्ष वृत्तित्वम लक्षण क्या बनेगा? पक्ष 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 वृत्तित्वम यही पक्ष धर्मता है। समझ में आया ना? पक्ष वृत्तित्वम यही पक्ष धर्मता का लक्षण है। किसका लक्षण हुआ? पक्ष धर्मता का लक्षण हुआ। ठीक है आगे पक्ष बताएंगे। जैसे पर्वत पक्ष है ना। पक्षादि मतलब क्या? पक्षादिशु मतलब पक्षेशु पक्षे ले लो पक्षे है ना। पक्षे वृत्ति ही यस्य पक्षे वृत्ति ही यस्य सह पक्ष वृत्ति ही आदि से दिया। तो क्योंकि पक्ष तो कोई भी हो सकता है ना, पर्वत भी कोई पक्ष हो सकता है और भी कोई हो सकता है, ले पर्वतादि बोल दिया। समझ में ना? तो विग्रह कैसे होगा? देखो पर्वतादिशु नहीं पर्वतादिशु बहुवचन है ना। वृत्ति ही यस्य सह पर्वतादि वृत्ति ही अर्थ क्या निकला? पर्वत आदि में विद्यमानता है जिसकी वृत्ति का अर्थ वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? विद्यमानता बोबरी समास है। पर्वत आदि में विद्यमानता जिसकी तो विद्यमानता कहाँ रहेगी? पागल किधर हो? कौन रहता है पर्वत में? हाँ तो विद्यमान विद्यमान कौन हो गया? धूम हो गया। तो विद्यमान तो किस में रहेगी? हाँ तो पर्वत में थोड़ी रहेगी। हाँ पर्वत में विद्यमानता जिसकी किसकी है? धूम की हेतु की। तो पर्वतादि वृत्ति कौन हो गया? धूम हो गया कि नहीं हो गया? कौन हुआ? धूम। धूम क्या हुआ? धूम। हाँ तो उसमें क्या धर्म रहेगा? पर्वतादि वृत्तित्व रहेगा। किस में रहेगा? धूम में हेतु में रहेगा। मतलब हेतु को पक्षादि में रहना, हेतु को पक्ष में रहना, इसी का नाम हो गया पक्ष धर्मता। समझ में आ गया कि नहीं? हो गया। तो अच्छा बताओ फिर धूम में क्या क्या है? धूम हेतु में क्या क्या है? पहले व्याप्ति है, बन्नी की व्याप्ति है, और धूम में क्या है बताओ? वृत्ति। हाँ वृत्तित्व। हाँ वृत्तित्व है, वृत्ति नहीं वृत्तित्व है। समझ में ना? वृत्तित्व आ गया ना। हाँ पर्वतादि वृत्ति कौन है? हाँ ये पर्वतादि वृत्ति तो कहाँ रहेगा? धूम में रहेगा। तो धूम में दो धर्म आया, क्या क्या आया? वृत्तित्व और व्याप्तित्व। हाँ व्याप्ति बोले, व्याप्तित्व तो नहीं, व्याप्ति। बनने की व्याप्ति भी है और पर्वतादि वृत्तित्व भी है। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ लो। हैं हाँ क्योंकि आप लोग पढ़े हैं तो अभी स्पष्ट होना चाहिए। अब स्पष्ट नहीं होगा तो फिर कब होगा वो? ठीक है।
और आप कहते हैं अनुमानम द्विविधम, बोलो अनुमानम द्विविधम। तो ये तो हो गया ना परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति कि नहीं। हाँ तो अनुमान कौन है? अनुमिति कर्ण। तो कौन है यहाँ पर? नव्य न्याय के अनुसार व्याप्ति ज्ञान, नव्य न्याय के अनुसार व्याप्ति का ज्ञान ये हो गया करण अनुमान, इसको अनुमान कहते हैं कि नहीं। और प्राचीन न्याय के अनुसार परामर्श, लिंग जो परामर्श होगी ना, परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जो ज्ञान है परामर्श, ये इसी को कहते कौन? अनुमान कहते हैं। कौन कहते हैं? प्राचीन है ये कहते हैं। ऐसा है मतभेद थोड़ा सा है। आगे बढ़े। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। हाँ अनुमान के भेद कितने प्रकार ये पूछा रहा है। अनुमानम कतिविधम, अनुमान कितने प्रकार का है। हाँ ऐसे तो प्राचीन न्याय के अनुसार वो पूर्वावत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट ऐसे तीन विभाग करते है ना। न्याय के भाष्यकार कौन है? भाष्यायन। उसने यहाँ पूर्वावत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट ऐसे तीन विभाग करते हैं। कौन आप बताए थे ना वहाँ पर मुक्तावली में, याद है ना? पूर्ववत शेषवत और क्या है सामान्य तो दृष्ट। यहाँ पर बता देंगे, ये समाप्त हो जाए बता देंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं हाँ जो जो कोई भी अनुमान हो, चाहे पूर्ववत हो चाहे शेषवत हो चाहे सामान्य तो दृष्ट है। हाँ तीन लिख लो, मैं फिर बाद में बताऊँगा। अनुमान प्राचीन न्याय में तीन अनुमान कहा गया, तीन प्रकार अनुमान, पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट सामान्यतो दृष्ट अनुमान, सामान्यतो के बाद अवग्रह है सामान्यतो दृष्ट। ठीक है कितने प्रकार अनुमान है? तीन। ठीक है तो कोई भी अनुमान हो वो दो प्रकार हो जाएगा अनुमान द्विविधम। ठीक है अब बताएंगे पूर्व से शब्द बाद में बताऊंगा। अब कहते हैं स्वार्थम परामत। एक स्वार्थ मतलब क्या? स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थम में क्या विभक्ति है? प्रथमा एक वचन, परार्थम भी प्रथमा एक वचन कि नहीं। ये स्वार्थ जो प्रातिपदिक है ये है? ये क्या समास है कि क्या है? समास। समास हो जाएगा। क्या समास होगा? तो बबरी याद की हो केवल न जान ना बोलो। तत्पुरुष समास है, द्विजार्थ होता ना, द्विजार्थ द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, नपुंसक करेंगे तो द्विजाय इदम इति द्विजार्थम होता है कि नहीं। इसी प्रकार स्वार्थ में क्या होगा? स्वस्मयी स्वस्मयी इदम इति स्वार्थम वा। हाँ चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता इति वक्तव्य है ना। वार्तिक होता है ना, उसमें एक वार्तिक है क्या नहीं है? अर्थेन नित्य समास हो वार्तिक है। स्वस्मय इदम मतलब अपने लिए जो अनुमान होगा उसको कहेंगे स्वार्थम। क्या कहेंगे? अपने लिए जो होगा अनुमान उसको कहेंगे स्वार्थ। अब परार्थ में क्या होगा? परस्मय इदम इति परार्थम, दूसरे के लिए दूसरों को समझाना है उसको कहेंगे परार्थ नहीं। तो दो प्रकार अनुमान हो गया, मतलब अपने ज्ञान के लिए अथवा दूसरे को ज्ञान हो जाए उसके लिए उसको कहेंगे परार्थ। लग गया? अब कैसे देखो बता रहे हैं स्वार्थम स्वानुमिति हेतु हो, बोलो स्वार्थम जो अनुमान, स्वार्थ जो अनुमान होता है
स्वानुमिति मतलब स्वस्य अनुमिति स्वानुमिति है ना, अपने को जो अनुमिति होगी क्या है, अपने के लिए है ना, स्व संबंधी जो अनुमिति, अपने को जो अनुमिति ज्ञान होगी। अरे पर्वत को पर्वत में अपने को संदेह हो गया, कहने का मतलब तो जानना चाहता है कि बनी है कि नहीं, कि नहीं, तो ज्ञान किसको होगा, अपने को होगा कि नहीं, उसका हेतु क्या होगा, अनुमान, स्वार्थ अनुमान होगा है ना। मतलब अपने लिए जो ज्ञान होने वाला है उसके प्रति जो हेतु होगा अनुमान, उसको क्या बोलेंगे, स्वार्थ अनुमान कहेंगे। समझ में आया, वो कैसे होती है, अनुमान कैसे होता है वो बता रहे तो था ही शब्द से नहीं। स्वयं एव भूयो दर्शनेन, बोलो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरिति, महान असादो व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस तद्गते च, हाँ तद्गते च बोल दो, हाँ अग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निरिति। रैफ है कि विसर्ग है, हाँ विसर्ग है, कमा है ना, कमा हो तो चलेगा, नहीं तो फिर अग्नि रीति होगा, जोड़ेंगे तो अग्नि रीति रेव नहीं हो जाएगा कि नहीं। तदनंतरम वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते, तस्मात् पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमितिर उत्पद्यते, तदेतत् स्वार्थानुमानम्। ये स्वार्थ अनुमान है, तो तथा ही शब्द से कह रहे हैं कि कैसे अपने लिए होने वाली अनुमिति रूपी जो प्रमा है उसका प्रतीक हेतु होता है स्वार्थ अनुमान, वो कैसे होता है उसको जाने, तो थाई शब्द का अर्थ होगा ठीक है। तो स्वयं एव भूयो दर्शन है ना, स्वयं ही जो है, भूयो का अर्थ क्या है, पुनः पुनः बार बार, क्या है बार बार ठीक है। तो बार बार देखा, भूयो दर्शन बार बार देख लिया, यत्र यत्र धूमा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति महान असाधो व्याप्तिम ग्रहित है। पहले व्याप्ति ज्ञान होता है, पहले क्या होता है ना, पहले क्या होगा, व्याप्ति ज्ञान होगा, कब होगा, व्याप्ति का प्रत्यक्ष हुआ ना, कि बन्नी व्यापक है और व्याप्य क्या है, धूम है, इसलिए बन्नी की व्याप्ति धूम में है, ये ज्ञान हुआ ना पहले, ये ज्ञान पहले हुआ हुआ ना, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष। फिर क्या हुआ, पर्वत समीपम, पर्वत समीपम, पर्वत क्या है, पक्ष, उसके पास में गया, वो कहीं गए जा रहा है मान लो, तद गते च पर्वत में जाने पर है तो अग्नौ संदिहाना, पर्वत में जाने पर क्या संदेह हुआ, साध्य का संदेह हो गया, धूम को देखा ना, धूम को देखा तो साध्य का संदेह हो गया उनको, भाई पर्वत में धूम तो है लेकिन बन्नी है कि नहीं है, बन्नी है कि नहीं है। फिर क्या हुआ, व्याप्ति स्मरति, पक्षधर्मता ज्ञान होगा ना, क्या पक्षधर्मता ज्ञान हो जाएगा, पक्षधर्मता ज्ञान किस में होगा, धूम में होगा, हेतु में होगा ना, है ना ठीक है। अरे एक संबंधी अपर संबंधी स्मारकम भवती, एक संबंधी ज्ञान किसका ज्ञान, धूम का ज्ञान है कि बन्नी का ज्ञान, धूम का ज्ञान है ना। एक संबंधी ज्ञानम, अपर संबंधी कौन है, अपर संबंधी कौन, हाँ ठीक है साध्य बन्नी, उसका स्मारक कौन होगा, धूम का ज्ञान, धूम नहीं,
कोई धूम को देखने से थोड़ी होगा, धूम का ज्ञान स्मारक होगा, होगा ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं व्याप्तिम स्मरति, इसलिए व्याप्ति को तो व्याप्ति का ज्ञान तो हुआ था कि नहीं, उसका संस्कार तो है, संस्कार पड़ा ना, जिसने व्याप्ति का ज्ञान, जिसको व्याप्ति का ज्ञान हुआ उसी को व्याप्ति का क्या होगा, स्मरण होगा, संस्कार रहेगा ना। और धूम को देख करके, हाँ मतलब धूम का ज्ञान आने पर, धूम का ज्ञान आने पर धूम का जो संबंधी है बन्नी उसका स्मरण हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये कह रहे हैं हम पर, है ना। कैसे स्मरण हुआ, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ यही है, यही करण है। इसी को प्राचीन लय लोग क्या बोलते हैं, करण मानते हैं, किसको, ये व्याप्ति ज्ञान को। तदनंतरम मतलब व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति का स्मरण के अनंतर फिर क्या होगा, परामर्श ज्ञान होगा, क्या होगा, परामर्श ज्ञान। कैसे, बन्ही व्याप्य धूमान अयम पर, मतलब व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान, ठीक है ना। बन्ही से व्याप्य कौन, धूम, और ऐसा धूम वाला ये पर्वत, इसको कहते हैं परामर्श ज्ञान, ये परामर्श ज्ञान कहते हैं। आगे लिखे देखो, अयम एव लिंग परामर्श इति उच्यते, इसी को लिंग परामर्श कहा जाता है, हो गया। प्राचीन न्याय के अनुसार लिंग परामर्श क्या है, करण है कि नहीं, नहीं, हाँ प्राचीन के अनुसार करण है, नवीन न्याय के अनुसार व्यापार, तजन्य तो सती तजन्य जनकत्व, समझ में आया ना, ऐसे कर तस्मात है, तो क्या होगा, तस्मात मतलब क्या हो, वो परामर्श से, परामर्श से प्राचीन लय बोलेंगे परामर्श से, क्योंकि परामर्श अनुमान हो गया कि नहीं, और वो लोग क्या बोलेंगे, तस्मात कहने से अनुमान से, कौन अनुमान है वहाँ पर, व्याप्ति ज्ञान कि नहीं, व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान से, व्याप्ति ज्ञान अनुमान है, पर्वत बन्निमान इति ज्ञानम उत्पद्यते, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ ये ज्ञान जो हुआ ना, तो फिर जो है कौन सा ज्ञान हुआ, स्वार्थ अनुमान हो गया ना, ये स्वार्थ अनुमान हो गया, तदेतत् स्वार्थानुमानम, इसे कहते हैं स्वार्थ अनुमान, ठीक है नारायण, ऐसा है। उसके बाद कहते देखो, परार्थ, परार्थ अनुमान का क्या स्वरूप है, अब बता रहे, यत्तु स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, धूमात अग्निम अनुमाय परम प्रति बोधयितुम, क्या हुआ, पर प्रति प्रत्यर्थम, पर प्रति प्रत्यर्थम, कोई बात नहीं, क्या लिखा है, परम प्रति बोधयितुम, हाँ मेरी पुस्तक में ऐसा है, मैं पहले भी ऐसा किया हूँ, परम प्रति बोधयितुम, आपके वहाँ अर्थ तो एक ही है, अर्थ एक ही है, परम प्रति बोधय मतलब क्या, दूसरे को बोध कराने के लिए, और आपके वहाँ क्या लिखे, परम प्रति, परम प्रति की परप्रति, परम प्रति होगा, अनुसार होगा, परप्रति कैसे होगा, प्रति के युग में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी ना, परम प्रति, परम प्रति के बाद क्या है, प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम, लाओ मेरे को न काटो, पहले देखता हूँ फिर लिखेंगे। अच्छा एक ये है क्या, अच्छा वो ये वाली पुस्तक है, कहाँ है अभी, हाँ ऊपर, हाँ हाँ पर प्रत्यर्थम, ये भी ठीक है ना, सही है, गलत नहीं है, पर प्रत्यर्थम एक ही है ना, पर प्रत्यर्थ प्रतिपत्ति है क्या, ज्ञान प्रतिप, है ना, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान, पर प्रत्य मतलब क्या, दूसरे को ज्ञान कराने के लिए, समझ में ना, क्या है, दूसरे को, है ना, परस्मयी प्रतिपत्ति थी, पर प्रतिपत्ति, नहीं समझ में, परस्मयी प्रतिपत्ति थी, पर प्रतिपत्ति अथवा परस्य प्रतिपत्ति, पर प्रतिपत्ति हो जाएगा, दूसरे का ज्ञान कि नहीं, दूसरे को
ज्ञान, अच्छा दूसरे के लिए ज्ञान, ऐसे हो जाएगा ना। पर प्रतिपत्ति की क्या, दूसरे का होने वाला ज्ञान है ना। फिर पर चतुर्थी क्या बनेगा, पर प्रतिपत्ति का क्या होगा, पर प्रतिपत्यय, पर प्रतिपत्यय इदम इति पर प्रत्य पर प्रतिपत्यर्थम, पर प्रतिपत्यर्थम है ना। तो वो शब्द थोड़ा कठिन पड़ रहा है ना, इसलिए परम प्रति बोधयितुं करने से सरल है। सही है, गलत नहीं है, पाठांतर लिख सकते हो परम प्रति बोधयितुं, ये पाठ अच्छा है, परम प्रति बोधयितुं ये पाठ और अच्छा है। हाँ विसर्ग, ये अनुसार अनुस्वार, परम प्रति बोधयितुं, प्रति अलग पद है, तीनों अलग अलग है, परम प्रति बोधयितुं, ठीक है। मतलब दूसरे को ज्ञान कराने के लिए, नहीं समझ में आया अनुभव चाहते, परम बोधयितुं, ईतुं यकार ई हर्षई बोधयितुं, ठीक है। ये पाठ अच्छा मतलब पढ़ रहा है, मतलब दूसरे को बोध कराने के लिए, तुमन प्रत्यय कर दिया ना, पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थम अनुमानम, पढ़ रहे हैं ना, तत्परार्थम अनुमानम यथा पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् योयो धूमवान सत्स वन्यमान यथा महानसम तथा चायम तस्मात् तथेति अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परोपि अग्निम प्रतिपद्यते। हाँ ऐसा देखो, ये पंचावय वाक्य को कहते हैं अनुमान, परार्थ अनुमान, समझ में ना। हाँ क्या, हाँ ठीक है, कहीं कहीं इसी को न्याय कहते हैं, पंचावय वाक्य को कहीं कहीं न्याय बोलते हैं, क्या है, हाँ किसको, पंचावय वाक्य को ही कहीं कहीं न्याय बोल देते हैं, ठीक है। प्रमाण ही अर्थ परीक्षण इति न्याय, ये भी न्याय शब्द का अर्थ होता है, है? क्या है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण इति न्याय, ये भी न्याय है, पंचावय वाक्यों को भी न्याय कहते हैं, ठीक है। चलो, यत्तु जो स्वयं धूमात अग्निम अनुमाया, स्वयं पहले अग्नि का अनुमान किया है, हाँ दूसरे को तो समझा सकता है ना, स्वयं समझा नहीं तो जो स्वयं लघु नहीं पढ़ा है दूसरे को पढ़ा रहा है तो गड़बड़ मामला है, स्वयं पढ़ा नहीं ठीक से दूसरे को पढ़ाएंगे तो गड़बड़ मामला है, मतलब जितना पढ़ा है उतना पढ़ाना चाहिए मतलब ठीक से। इसी प्रकार जो स्वयं धूम का अनुमान किया है ना, धूम से अग्नि का, धूम को देख करके अग्नि का अनुमान किया है, वही फिर क्या करेगा, परम प्रति बोधयित, दूसरे को बोध कराने के लिए किस वाक्य का प्रयोग करेगा, पांच अवयव वाक्य, क्या है, पांच अवयव वाक्य को प्रयोग करेगा, ठीक है। क्या कहा, पांच अवयव, शब्द का भी अवयव होता है क्या, शब्द का क्या, शब्द का विभाग करोगे, टुकड़ा टुकड़ा करोगे, शब्दों का क्या होता है, वो तो लिपि का होता है, ध्वनि का होता है, शब्दों का क्या विभाग करोगे, इसलिए यहाँ पर जो है ना, हाँ तो क्योंकि देखो, ये है ना पांच अवयव वाक्य, रुको रुको, ये पांच अवयव वाक्य का प्रयोग करते हो कि नहीं, हाँ पांच अवयव, लेकिन अवयव किसको कहते हैं,
द्रव्य का समवाय कारण को कहते हैं अवयव, है किसको कहते हैं? द्रव्य का समवाय कारण को कहते हैं अवयव, कहते कि नहीं? हाँ, आइए, ये प्रतिज्ञा आदि, ये तो शब्द है ना, ये तो शब्द है कि नहीं? शब्द किसका अवयव होगा? ये किसका समवाय कारण होगा? शब्द किसी का समवाय कारण होगा? समवाय कारण कौन होता है हमेशा? द्रव्य होगा ना, तो शब्द द्रव्य है नहीं है क्या? शब्द गुण है कि द्रव्य है? गुण है, आकाश का गुण है, द्रव्य तो है ही नहीं, तो फिर अवयव कैसे कहा आपने? तो ऊपर लक्षणा से समझ लो, ये पदकृति में ही बात आएगी। लक्षणा से क्या कह दिया? हाँ, लक्षणा से कह दिया अवयव, और क्या है? सुनते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है? आगे बढ़े, ये सब पदकृत्य में आएगा, चिंता न करो। ये इसको कहते हैं परार्थ अनुमानम, मतलब जिस अनुमान में पांच अवयव का वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, जिस अनुमान में क्या है पांच अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं परार्थ अनुमान। शब्दों को नहीं कहा जाएगा परार्थ अनुमान, जिस अनुमान में पांच अवयव वाक्यों को क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, उसको अनुमान, मतलब शब्दों को अनुमान कहेंगे क्या? नहीं, हाँ, वो ज्ञान को ही अनुमान कहा जाएगा, व्याप्ति ज्ञान। समझ में आया? नहीं पढ़ में आया? नहीं, अच्छा, परार्थ अनुमान, जथा पर्वत मन, ये सब आएगा। इसको कल करेंगे क्या? कल करते हैं।